Hello everyone and welcome back to my another vlog. If you are watching me for the first time, hi, I'm Manali and do subscribe to my channel and let's get started. So, आज हम डेनिम के बोल्ड लुक क्रिएट करने जा रहे हैं. तो फिर मैं डेनिम में कैसे इतना बोल्ड लुक कभी कैरी नहीं की हूँ. आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फिर आज का मेकअप स्टार्ट करते हैं. तो आई स्टार्टेड मॉइस्चराइजिंग माई फेस विथ निविया मॉइस्चराइजर और उसको अच्छा खासा मैंने मसाज कर लिया है अच्छी तरीके से. फिर उसके बाद मैं आज अपने आईज़ से स्टार्ट करूँगी. उससे पहले मैं प्राइमर लगा लूँगी. तो आप भी ऐसे कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो. तो ये प्राइमर मेरा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और अभी तक मैंने यही सब यूज़ कर रहा है. तो आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो. प्राइमर लगाने के बाद स्किन बहुत स्मूथ हो जाते हैं और बेस के लिए एकदम रेडी. तो फिर यहाँ पे मैं मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 350. तो यहाँ पे मैं अपने आईज़ का बेस मेकअप स्टार्ट करूँगी जो कि लाइक लाइट शेड है. तो मुझे और थोड़ा सा चाहिए कवरेज. तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने पूरा आईज़ में लगा लूँगी एज अ आई प्राइमर के जैसे काम करेगा और एक स्मूथ टेक्सचर देगा आई शेडो को. एक अच्छा स्मूथ सा लाइक कलर दिखेगा उसमें, खिल के कलर सब निकलेगा. इसलिए मैं आई शेडो, लाइट आई शेडो यूज़ की हूँ. फिर उसके बाद मैं अच्छी तरीके से अपनी आईज़ को ब्लेंड कर दे रही हूँ. तो फिर मैं यहाँ पे ब्यूटी ग्लेस्ड आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे जो ऑरेंज शेड वाला है तो यहाँ पे मैं लाइक रस्टी ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ. तो मैंने दोनों आँख में बहुत गंदी तरीके से लगाया है. तो मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ. अपना क्रीज का ऊपर तक लगाने कोशिश कर रही हूँ ताकि जो मेरा बोल्ड लुक स्मोकी आईज क्रिएट कर पाऊँ. सो यहाँ पे मैं हिमालय काजल का काजल यूज़ कर रही हूँ. तो ये बहुत इजीली लाइक ब्लेंड हो जाता है और लगाने में भी बहुत ईजी रहता है. तो आप ऐसे कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो अपने आईज़ को स्मोकी लुक देने के लिए. ज़रूरी नहीं है प्रिसाइज लाइनर लगाने के लिए. तो मैं यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए ईयरबड्स का यूज़ कर रही हूँ. तो ये बहुत ब्रश नहीं हो सकता है तो आपके पास, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो. तो मैं दूसरी तरफ ब्रश से कर रही हूँ. बस इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कीजिएगा. द बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि अच्छे से ब्लेंड करने के बाद वो जो नेचुरल बोल्ड लुक दिखता है वो बहुत ही स्मूथ और सुंदर दिखता है. तो मैं यहाँ पे SFR का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो कि ब्लू शेड में है, शिमरी शेड में. तो मैं बस उससे मिडिल में अप्लाई करूँगी अपना आई लीड में बस, और उसको लाइक अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. ये आई शेडो लाइक बहुत ही फ्लॉलेस बना देगा आपका आई लुक को और बहुत ही बोल्ड लुक देगा. अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन मास्टर क्रोम का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ. बस अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी, आईज़ का इनर कॉर्नर को और मेरे आईब्रो बोन्स को. तो ये रहा मेरा आई शेडो कम्प्लीट. तो बस एक आई लैशेस का ज़रूरत है एंड ये हो गया. एंड अब मुझे बताइए कैसा हुआ है आईज़ का पूरा सा लाइक कम्प्लीट बोल्ड लुक. सो लेट मी नो इन माई कमेंट्स. तो फिर अभी पूरा फेस मेकअप करेंगे. तो यहाँ पे मैं लैक्मी 925 का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. उसको फिर मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ले रही हूँ और इसको अच्छे से डैप डैप कर दे रही हूँ और अच्छा से इसको ब्लेंड कर दूंगी. जैसे कि मैंने कहा, ब्लेंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लाइक बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है, नेचुरल लुक देता है और ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है. तो मैं यहाँ पे मैगलैन 3 शेड पैलेट से कॉन्टोरिंग करूँगी थोड़ा सा, लाइक थोड़ा हल्का हल्का. फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मैगलैन का क्रीमी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. ये भी न्यू शेड में है. तो फिर आप ऐसे कुछ भी क्रीमी सा लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो अपने ब्लश के लिए.
तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। फिर इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर सकते हो अच्छे से। देन मैं यहाँ पे माई ग्लैम का लिक्विड मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा ब्राउन शेड में है। सो यस इट्स डन। सो मैंने पहली बार ऐसे बोल्ड लुक क्रिएट किया, वो भी डेनिम के साथ। तो आप ऐसे लुक क्रिएट कर सकते हो, तो ये मैंने पहली बार किया एंड आई फील सो कॉन्फिडेंट ऐसे लुक क्रिएट करने के बाद। एंड मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ किया अपने लाइक नोज़ में, फिर अपने चिक्स में। सो आर यू रेडी फॉर द फाइनल लुक? सो लेट्स गो। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ये लुक को ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे पे सूट किया या नहीं किया, कैसे लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एंड या थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। टाटा।